Hello, students. I am Neeraj Sharma working in Suraj School. And, students, we were discussing class 10th mathematics, chapter number 15, whose name is Probability. And yesterday we have detailed introduction about probability. Today we are going to start our exercise that is 15.1. So, students, first question. So, question number one, which is complete the following sentence. So, I can say these are fill ups. So, first part. फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई अब मैंने बता रखा है नॉट ई e को ई e बार से डिनोट किया जाता है इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स ये टल बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई किसी इवेंट के होने की प्लस किसी इवेंट के ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है वन होता है सेकेंड फिलअप करते हैं जिसमें कह रहे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट दैन नॉट हैपन इज स्टूडेंट्स ऑब्वियस ही बात है जीरो जो इवेंट हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जीरो होती है सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पोसिबल इवेंट कल समझाया था जो इवेंट हो नहीं सकता उसको बोलते हैं इम्पोसिबल इवेंट और जिस उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जीरो होती है इसी तरह जो इवेंट श्योर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी दैट इज इक्वल टू वन और ऐसे इवेंट को कौन सा इवेंट बोला जाता है श्योर इवेंट तो ये तुम इजीली कर सकते हो फिलअप्स ओके okay. चलिए फोर्थ पर चलते हैं द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था फिर बता देता हूँ जैसे टोसिन मो थ्रोइंग ए डाइस जैसे इट इवेंट है इट एट एक्सपेरिमेंट एट है थ्रोइंग ए डाइस अब बताओ क्या क्या आ सकता है वन आया हो टू आया हो थ्री आया हो फोर आया हो फाइव आया हो सिक्स आया हो अब ये क्वेश्चन पता है क्या है द द सम प्रोबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स अब ऑफ एन एक्सपेरिमेंट तो ये सारे होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स जो भी उसके सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं तो इसकी वन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ फेवरेबल केस तो यही अकेला है और टोटल नंबर ऑफ केसेस सिक्स है तो वन बाय सिक्स ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन टू बताना अब फेवरेबल केस ये टोटल तो कितने हैं सिक्स हैं तो वन बाय सिक्स ऐसे सबकी वन बाई सिक्स होगी तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाई सिक्स वन बाय सिक्स कितने टाइम्स सिक्स टाइम्स तो ये कितना हो जाएगा वन आ जाएगा सो तो यही कहना चाह रहा है तो ऐसा कोई भी जैसे मान लो एक कॉइन को टोस्ट करते हैं तो हेड या टेल आता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू तो दोनों एक, एक एक्सपेरिमेंट के दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम वन हुआ स्टूडेंट्स okay, तो ये बात थी समझ में आ रही होगी चलिए फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन हाँ कह रहा है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा या किस इक्वल होती है जीरो या जीरो से ज्यादा होती है और वन या वन से कम होती है ये मीनिंग था इस क्वेश्चन का तो जो पहले क्वेश्चन के अंदर फाइव फिलअप्स दे रखे थे हमने फाइव के फाइव डिस्कस कर लिए अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हमसे इक्वली लाइटली पूछा है कि इनमें से कौन से इवेंट इक्वली लाइटली है जैसे मैंने तुम्हें समझाया जैसे कॉइन है कॉइन को ट्रॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी वन बाय टू टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी वन बाय टू इसीलिए उसको बोला जाता है इक्वली लाइटली जैसे एक और एग्जाम्पल लें एक डाइस थ्रो करते हैं वन आने की प्रोबेबिलिटी जितनी भी होती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी टू के आने की होती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी थ्री के आने की उतनी फोर के आने की उतनी फाइव के आने की उतनी सिक्स के आने की तभी तो खेलने में मजा आता है ऐसा होता कि बार बार सिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती तो बार बार सिक्स आता फिर तो गेम अच्छा नहीं रहता ना सारे इक्वल लाइटली होते हैं और तो स्टूडेंट्स तो अब हमसे ऐसा ही कुछ पूछ रहा है कि इन चार चार स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनमें से बताओ कौन से इक्वली लाइटली हैं सो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू अब क्वेश्चन नंबर टू में जो फर्स्ट पार्ट है so, एक बार क्वेश्चन नंबर टू रीड करता हूं ध्यान से सुनना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन ओके समझ में आ गया होगा इक्वली लाइकली जैसे डाइस को थ्रो करते हैं तो वन के आने के चांस टू के आने के चांस थ्री के आने सबके इक्वल होते हैं इसी तरह आप पूछ रहे हैं हमसे फर्स्ट पार्ट ए ड्राइवर अटैप टू स्टार्ट ए कार कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट अब स्टूडेंट्स ये इक्वली लाइकली नहीं होगा हो क्यों सर गाड़ी स्टार्ट कर रहे है तो स्टार्ट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है वो तो एक रेयर कंडीशन होती है कि गाड़ी स्टार्ट ना हो नहीं तो जनरली यही होता है हम कार को स्टार्ट करते हैं तो कार स्टार्ट हो जाती है कभी बाई चांस ही ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती कोई तो प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इक्वली लाइटली नहीं है सेकेंड पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स चलिए ए प्लेयर अटेम्प टू शूट ए बास्केटबॉल सी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बास्केट प्लेयर है वो बास्केटबॉल को मतलब बास्केट करने के लिए फेंकता है अब या तो बास्केट होता है या मिस हो जाता है ये इक्वली लाइटली है अरे नहीं भाई ये इक्वली लाइटली है बास्केट उसने किया बॉल अब कहीं भी जा सकती है देखो ना होने के लिए तो बॉल कहीं भी चली जाए और होने के लिए सिर्फ इतना सा जो वो बास्केट वाली जो रिंग है उसमें जानी चाहिए तो ये इक्वली लाइटली थोड़ी है तो ये भी नॉट इक्वली लाइटली चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन द आंसर इज राइट और रॉन्ग हाँ ये इक्वली लाइटली है देखो कह रहा है ट्रू और फॉल्स में तुक्का मारा ट्रू और फॉल्स में उसने तुक्का मारा द आंसर इज राइट और रॉन्ग कह रहा है या तो सही होगा या गलत होगा रहा ही बात है और कुछ तो हो नहीं सकता तो इक्वली लाइटली ये इक्वली लाइटली है ओके स्टूडेंट्स चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है ए बेबी इज बोर्न इट इज ए बॉय और ए ऑब्वियस सी बात है जब कोई भी मतलब बेबी बॉर्न हुआ है अभी अभी मान लो जैसे तो वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है इक्वली लाइटली है साफ साफ पता चल रहा है तो इसमें क्या लिख देने हम इक्वली लाइटली सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन फोर के फोर पार्ट्स करने थे शुरुआत के दो तो नोट इक्वली लाइटली और लास्ट के दो पार्ट इक्वली लाइटली अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है वाई इज टोसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम स्टूडेंट्स ये तो तुम्हें पता भी होगा कि जैसे फुटबॉल का गेम होता है या क्रिकेट का गेम होता है उसमें टॉस को टॉसिंग ए कॉइन को फेयर मैनर माना जाता है कि भाई कौन बॉल स्टार्ट करेगा तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए एक टॉसिंग ए कॉइन में तो में एक्चुअल में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होती है बताओ देखो हेड आना एक इवेंट है और टोटल इवेंट हेड और टेल दो होते हैं और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी टेल का आना एक इवेंट है मतलब देखो ना सैंपल स्पेस एच और टी होता है तो टोटल तो दो है और जैसे टेल यही फेवरेबल है तो वन बाय टू सो so, हेड की भी वन बाई टू टेल की भी वन बाई टू सो इसको बोला जाता है इक्वली लाइटली इक्वली लाइटली का मतलब वहाँ पे चीटिंग नहीं होगी जितने हेड के आने के चांस हैं उतने ही टेल के आने के चांस हैं इसीलिए इसको क्या बोला जाता है फेयर वे टू डिसाइड हो विल स्टार्ट ओके स्टूडेंट्स चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर पे चलने से पहले स्टूडेंट्स मेरी एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो या जीरो से ज़्यादा और वन या वन से कम होती है है ना तो मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहाँ हो सकती है जीरो से लेकर वन तक चलिए अब पार्ट फोर में क्या कह रहा है क्वेश्चन फोर में क्वेश्चन फोर में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी टेन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इस तरीके से हमसे पूछ रहा है कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ठहरे इनमें से कौन सा कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ जैसे ए ऑप्शन है टू बाय थ्री बी ऑप्शन है माइनस वन पॉइंट फाइव सी ऑप्शन है फिफ्टीन परसेंट और डी ऑप्शन है जीरो पॉइंट सेवन So, हमसे ये पूछा गया स्टूडेंट्स इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती अगर कोई इंपॉसिबल इवेंट है तो उसकी जीरो श्योर है तो वन अच्छा तुम सोच रहे हो सर ये भी तो वन से ज़्यादा है ये वन से ज़्यादा नहीं है परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ हंड्रेड तो ये तो स्टूडेंट्स जीरो से वन के बीच में ही है फाइव से इसको कैंसिल करो वी विल गेट थ्री बाई ट्वेंटी अच्छा जीरो पॉइंट सेवन ये भी सेवन बाई टेन लिखा हुआ है ये टू बाई थ्री भी जीरो से वन के बीच में ये इकलौती माइनस वन पॉइंट फाइव ही प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो जीरो से वन के बीच में नहीं है तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट right ऑप्शन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव देन वॉट इज द प्रोबेबलिटी ऑफ नॉट ई स्टूडेंट्स ये तो तुम्हें पता होना चाहिए नॉट ई को ई e बार भी लिखते हैं ओके अब तुम्हें टल ये बात बताई थी पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन है ये हमसे पूछा है उसने और ये हमें मालूम है तो मैं लिख पाऊँगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन सो स्टूडेंट्स पी नॉट ई विल बी इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इट विल भी जीरो पॉइंट नाइन फाइव इस तरीके से क्वेश्चन फाइव बहुत ही आसान क्वेश्चन था टरपाउड चलिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुने के अब कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं ए बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर कैंडीज ऑनली चलो एक बैग है मान लो दिस इज ए बैग और इसके अंदर क्या है लेमन कैंडीज है कौन सी कैंडीज है भाई लेमन कैंडीज है चलो अच्छी बात है मालिनी किसी लड़की का नाम है मालिनी मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुटिन इन टू द बैर वॉट इज द प्रोबलिटी दैट सी टेक्स आउट वॉट के मालिनी ने क्या किया इसमें जैसे हाथ डाला बिना देखे और एक कैंडी बाहर निकाल ली तो अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहे कि जो बाहर कैंडी आई वो एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी थी क्या थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी अब स्टूडेंट्स एक बात समझिए इसके अंदर सारी कैसी थी लेमन कैंडीज थी बाहर आ सकती ऑरेंज कैंडी नहीं आ सकती इम्पॉसिबल इवेंट हो गया प्रोबेबिलिटी विल बी ज़ीरो चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी पूछ रहा है अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ जब उसके अंदर लेमन कैंडीज ही हैं और कुछ है ही नहीं और उसने एक कैंडी बाहर निकाली तो कौन सी कैंडी बाहर आई होगी ऑब्वियसली बात है लेमन की कैंडी बाहर आएगी तो यहाँ पे एक बात समझो ये तो श्योर इवेंट हो गया और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है वन ये पहले हमने फिलअप्स में भी डिस्कस किया है ओके स्टूडेंट्स सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर अगर सिक्स तक कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें तो तुम यहीं पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स देखते हैं कह रहा है इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स कितने का ग्रुप है स्टूडेंट्स का ग्रुप है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट सेम बर्थडे इज कोई इवेंट दे रखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी अब देखो इवेंट कोई भी हो ज्यादा उससे मतलब मत प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवेंटी जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू ओके और किसकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट द सेम बर्थडे दो बच्चों का सेम डे बर्थडे नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे ये समझो अब बात को एक मान लो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे मतलब ये किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है और हमसे पूछ रहा है सेम डे होने की मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान है पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन तो मैं कह पाऊंगा पी ई विल बी इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू इट विल बी जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था टर पाओगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है ए बैग कंटेन्स थ्री रेड बॉल एंड फाइव ब्लैक बॉल एक बैग है जिसके अंदर थ्री रेड बॉल हैं और फाइव ब्लैक बॉल है चलिए अच्छी बात है और ये क्या है एट बैग है चलो अब कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैड इस बैड से बॉल निकाली रही विदाउट सीन इन टू द बैड मतलब बैड में देखा नहीं वैसे ही निकाली रही तो कह रहा है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड पहली पार्ट दो पार्ट है इसमें तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अब स्टूडेंट्स रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारे लिए फेवरेबल केस क्या है कि एक रेड बॉल बाहर आ जाए तो टोटल रेड बॉल कितनी है रही अपॉन फेवरेबल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस डिसे डिवाइड करना होता है तो टोटल नंबर कितने है बताना एट है सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और सेकेंड में क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल दैट विल बी फाइव बाई एट स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार थ्री मार्क्स में भी आए हुए हैं तो हम क्या करेंगे पहले इधर माहौल बनाएंगे फॉर्मूला लिख देंगे किसका फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चलिए स्टूडेंट्स सो ये हमने क्वेश्चन नंबर एट तक कंप्लीट किए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन से जिसमें क्या कह रहा है हमसे तो कह रहे वॉट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेटन आउट विल बी रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट टीम रेड मार्बल इसकी बात कर रहे हैं हमसे सो so, स्टूडेंट्स बड़ा आसान क्वेश्चन है बताओ रेड मार्बल के केस में फेवरेबल कौन से होंगे सिर्फ रेड वाली तो फाइव तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकता है इन फाइव में से आए इन एट में से आए इन फोर में से आए तो सारे फेवरेबल है तो फाइव अपॉन सेवनटीन चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स जिसमें क्या पूछ रहा है हमसे अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ इन वाइट मार्बल प्रोबेबिलिटी ऑफ इन वाइट मार्बल वाइट मार्बल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स बड़ा आसान है बताओ वाइट मार्बल के लिए फेवरेबल केस कितने हैं एट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज सेवनटीन सो एट अपॉन सेवनटीन हमारा आंसर हो जाएगा चलिए थर्ड केस की बात करते हैं जिसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन अब स्टूडेंट्स एक बात समझने की है देखिए तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इन ग्रीन मार्बल ही निकाल दें पहले और फिर उसको वन में से माइनस कर दें अब हम इतना काम क्यों करेंगे कि पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालें फिर उसको वन में से माइनस करें तो दो दो स्टेप हो रहे तो अब डायरेक्ट कैसे करते हैं ध्यान से सुनना प्रोबेबिलिटी ऑफ इन नॉट ग्रीन तो ग्रीन नहीं आना चाहिए तो हमारे फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे ग्रीन के अलावा चाहे रेड आ जाए चाहे व्हाइट आ जाए तो ये हमारे फेवरेबल केस होंगे फाइव प्लस एट कितने हुए थर्टीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस तो इसमें भी कितने रहने वाले हैं सेवनटीन ये हमारा क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है अच्छा पार्ट देखो अच्छा तुम सोच रहे हो सर वैसे करके दिखाना प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल बताना स्टूडेंट्स फोर अपॉन सेवनटीन आई वन में से माइनस करो फोर अपॉन सेवनटीन को सो so, ये हो जाएगा थर्टीन अपॉन सेवेंटीन देखो आंसर सेम आ रहा है लेकिन बात दोनों समझ में आनी चाहिए ओके okay. क्योंकि इससे ही तो हमारी अप्रोच बनेगी कि हमें आगे क्वेश्चन कैसे डील करने हैं चलिए अब हम क्या करने वाले हैं अब हम क्वेश्चन नंबर टेन को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन में क्या कह रहा है रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन में कह रहा है कि एक पीजी बैंड बैंक है जैसे हमारे घर में गुल्लक उल्लट रखते हैं ना बच्चे उसी तरह का एक पीजी बैंड है जिसमें हंड्रेड पचास पैसे के कॉइन है फिफ्टी वन रुपीज कॉइन ट्वेंटी टू रुपीज कॉइन एंड टेन फाइव रुपीज कॉइन चलिए तो क्वेश्चन नंबर टेन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मान लो ये एक हमारा पीजी बैंक है अब इसमें कह रहा है कि हंड्रेड मैं जो क्वांटिटी है उस पर राउंड सर्कल बना दूंगा हंड्रेड फिफ्टी पैसे कॉइंस जिससे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए राउंड बना रहा हूँ फिफ्टी वन रुपीज कॉइन पचास मेरे पास क्या है वन रुपीज़ के कोइन है चलो अच्छी बात है फिर उसके बाद ट्वेंटी टू रुपीज कॉइन टू रुपीज कॉइंस और उसके बाद है टेन फाइव रुपीज कॉइन फाइव रुपीज कॉइन चलो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमारे कोई पीजी बैंक है जिसके अंदर ही हंड्रेड तो फिफ्टी पैसे कॉइन कॉइन ट्वेंटी दैट वन ऑफ द पॉइंट विल फॉल आउट वेन द बैंक इज अप अपसाइड एंड डाउन जैसे मैं इन चीज को उल्टा करते हैं तो एक पॉइंट कोई भी बाहर आ जाता है ठीक है और सभी के इक्वली लाइकली आने के चांस हैं तो कह रहे हैं वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अब दो पार्ट हैं स्टूडेंट्स पहले पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कह रहे विल बी ए फिफ्टी ऑफ गेट इन ऑफ गेट इन फिफ्टी पैसे कॉइन यही हमसे पूछ रहा है फिफ्टी पैसे कॉइन ही बाहर आएगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है सो स्टूडेंट्स फॉर्मूला तुम जानते हो फिफ्टी पैसे को के कितने फेवरेबल चेस हैं हमारे पास हंड्रेड है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सबको ऐड करो ये हो गया वन एट्टी हंड्रेड प्लस फिफ्टी वन फिफ्टी प्लस ट्वेंटी वन सेवेंटी प्लस टेन वन एट्टी सो दिस इज द राइट आंसर अब चाहो तो इनको कैंसिल भी कर सकते हो ये हो जाएगा इनको तुम कैंसिल कर लो टेन से तो टेन बाई एट्टीन आ जाएगा फर्दर सोल्व करने पे हमें मिलेगा फाइव बाई नाइन अच्छा स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि तुम यहां छोड़ जाओ तो आंसर गलत है वो भी बिल्कुल सही आंसर है चलिए सेकेंड पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं पार्ट में क्या कह रहा है विल नॉट बी ए फाइव रुपी क्विंट पांच रुपए का कॉइन नहीं आना चाहिए तो ये मतलब नहीं आना चाहिए तो इसके अलावा तो बाकी सारे आ सकते हैं तो कितने हुए हमारे फेवरेबल केसेस हो रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 180, सो आंसर विल बी 17 बाय 18. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर पाएंगे क्लियर है स्टूडेंट्स सो दिस वाज़ आवर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही आसान है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है देखो कैराटी ग्रोपी वाइज ए फिश फ्रॉम ए सॉप फॉर इज एक्वेरियम आपने एक्टेरियम डायग्राम भी दे रखा है वो एक्वेरियम होता है ना जिसमें पानी सा होता है और फिश घूमरी होती हैं। उसको बोला जाता है द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट ए रेंडम फ्रॉम टेंथ कंटेनिंग वो कहीं शॉप पे खरीदने गया जैसे फिश तो उसके लिए सॉपकीपर ने क्या किया कि एट रैंडम किसी भी फिश को निकाला किसमें से निकाला जिसके अंदर जिसके अंदर फाइव मेल फिश थी और एट फीमेल फिश थी एट फीमेल फिश थी फाइव मेल फिश थी तो अरे यार, कितना है। बताओ मेल फिश के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस विल बी फाइव एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू थर्टीन तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हो जाएगा तो हमने क्वेश्चन नंबर इलेवन तक डिस्कस कर लिए अब स्टूडेंट्स हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व गेम से रिलेटेड है जिसमें क्या होता है तुमने किसी मूवी में भी देखा होगा इस तरीके से वो घुमाने का आता है और वो नंबर रुकने का जैसे एक चीज तो ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का तो डायग्राम भी दे रखा है तो डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा जैसे इस तरीके से है अब इनमें काउंटिंग लिखी हुई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट और इसमें एट ऐसे निडिल है ठीक है अब ये गेम कैसा होता है इसको घुमाया जाता है फिर ये थोड़ी देर घूमता है और हमें उस दौरान ये बोलना होता है कि नंबर बोलना होता है थ्री फोर फिर ये जहाँ पे ये निडिल होती है और उसी पे थ्री आ गया जो हम नंबर बोलते हैं उसी पे रुक गया तो हम जीत जाते हैं ऐसा कुछ गेम होता है ये चलिए तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है अच्छा स्टूडेंट्स अब ये है कि यहाँ पे ये जो निडिल है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सब के आने के इक्वल चांसेस हैं अगर इसको घुमा के फिर हम छोड़ते हैं तो ओके okay. तो अब कह रहा है कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इन पॉइंट एट एट मीन्स ये जो इसको तुम घुमाओ और उसके बाद जब ये रुके तो यहाँ पे एट आ जाए एट को पॉइंट कर रहा हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है तो स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान है बताओ अब हमारे लिए फेवरेबल केस कौन हो गया इट इटलौता एट तो वन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए वन हुए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कोई भी आ सकता है तो एट तो एट पे आके ये रुके इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की प्रोबेबिलिटी है वन बाई एट स्टूडेंट्स इसके बाद सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटिन एन ओड नंबर ओड नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो स्टूडेंट्स अब ओड कौन कौन है एट तो वन है एट थ्री है एट फाइव है और एट सेवन है तो वन टू थ्री फोर तो फोर तो हमारे फेवरेबल केस हो रहे ओड नंबर के लिए और टोटल नंबर ऑफ केस तो इसमें भी आठ ही रहने वाले हैं अगर चाहो तो इसको वन बाई टू भी लिख सकते हो चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहे नंबर ग्रेटर दे देन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इन नंबर ग्रेटर दे देन टू टू से बड़ा आ जाए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है तो स्टूडेंट्स पहले मुझे बताओ क्या टू टू से बड़ा होता है नहीं होता तो वन और टू नहीं आना चाहिए इससे बड़े तो कितने हुए टोटल छ हुए और टोटल है कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आठ है तो सिक्स बाई एट हो जाएगा जिसको तुम कैंसिल करके थ्री बायर भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स उसके बाद फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है ए नंबर लेस देन नाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन ए नंबर लेस देन नाइन कह रहे थे नंबर लेस देन नाइन आ जाए अब चाहे वन आए टू आए थ्री आए फोर आए फाइव आए सिक्स आए सेवन आए, 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 आए एट आए सभी लेस देन नाइन है तो सारे ही फेवरेबल केस होंगे तो एट फेवरेबल केस अपन में एटी आने क्या हुआ वन और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होती है उसको श्योर इवेंट बोलते हैं और स्टूडेंट्स तुम खुद सोचो इसको घुमाओ ये कहीं भी रुकेगा नंबर लेस देन नाइन ही आने वाला है तो इसीलिए ये क्या हो गया श्योर इवेंट हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी वन हो गई अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्या कह रहा है कि ए डाइस को फैटा गया ए डाइस इज थ्रोन। ए इज थ्रोन अब स्टूडेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए जैसे ही डाइस को स्पेस क्या बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिन प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिन प्राइम नंबर अब स्टूडेंट्स वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स में से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं टू थ्री और फाइव तो ये तीन तो फेवरेबल केस तो टोटल नंबर ऑफ केसेस सिक्स तो हम कह सकते हैं थ्री से सिक्स कैंसिल हो गया वन बाई टू आ जाएगा सेकेंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इन टू एंड फोरबू एंड सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इन नंबर बिटवीन नंबर बिटवीन टू एंड सिक्स अब कह रहा है दो से छः के बीच में आने आए कोई नंबर एक डाइस को फेंकें और जो नंबर आए वो दो से छ के बीच में आ जाए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ तुम्हें बिटवीन टू एंड सिक्स बोला है तो दो से दो और छः के बीच में तो दो और छः को कंसिडर नहीं करेंगे क्लियर है तो कौन कौन से होंगे अब होंगे थ्री फोर और फाइव तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस थ्री होने वाले हैं टोटल सिक्स थ्री बाई सिक्स को वापस से वन बाई टू लेने चलिए तो याद मत कर लेना कहीं डाई स्टेट के केस में आंसर हमेशा वन बाई टू आता है ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे वन बाई टू आ रहा है चलिए पार्ट नंबर थ्री जो है इसका उसको और डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इसकी ओड नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो ओड वन हो सकता है थ्री हो सकता है फाइव हो सकता है तो तीन है सर अब तो हम पक्का याद करेंगे कि डाइस वाले केस में आंसर वन बाई टू आता है भाई कर लेना गलत हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस अब उससे जो भी आंसर आता है उसको लिखना तो पड़े रही इस वजह से वो तो इत्फाक़ से ऐसा हुआ कि इस केस में यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन थे या तीनों पार्ट थे क्वेश्चन नंबर थर्टीन के उनका आंसर वन बाई टू आ गया चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या कह रहे हैं रीड करेंगे उसको क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बोल रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ फिफ्टी टू क्वेश्चन फोर्टीन प्लेन कार्ड से रिलेटेड है और मैं कहूं वेल सफल डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड से रिलेटेड है चलिए तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इन ए किंग ऑफ रेड कलर ए किंग ऑफ रेड कलर अब स्टूडेंट्स ये तुम्हें देखो इसमें जो हमारे प्लेन कार्ड्स होते हैं इनके क्वेश्चन में एक आसान जो चीज है डिनोमिनेटर में फिफ्टी टू आता है और क्यों आता है क्योंकि साफ साफ बोला है फ्रॉम डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स तो मतलब टोटल कार्ड्स कितने थे फिफ्टी टू तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है उसमें से तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए हैं फिफ्टी टू अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर रेड कलर का किन्न आना चाहिए अब बताओ टोटल किन कितने होते थे चार डायमंड का स्पेड का क्लब का हार्ट का अब कह रहे हैं कि रेड कलर के किन्न आने चाहिए अब दो रेड होते थे दो ब्लैक होते थे बोलो डायमंड और हार्ट वाले रेड होते थे स्पेड और क्लब वाले ब्लैक होते थे तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान हो गया किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं दो होते हैं तो वही दो हमारे फेवरेबल केस हो गए आंसर विल बी वन बाई ट्वेंटी सिक्स बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं अभी जब पाँच सात क्वेश्चन करोगे ना अच्छा ये बताओ कल कल जब मेरा मतलब इस पर इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद प्लेन कार्ड्स को खेलने का शोर्थ किसको रहा एक्चुअल में स्टूडेंट्स इसमें मजाक की बात नहीं है इस पर इस चैप्टर पे कमांड बनाने के लिए या मैं कहूँ प्लेन कार्ड्स वाले क्वेश्चन पे कमांड बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा फेमिलियर होने की जरूरत है प्लेन कार्ड से तो तुम खेल भी सकते हो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस स्टार्ड अब स्टूडेंट्स इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए फेस टार्ड पहले बताए थे कितने होते हैं ट्वेल्व होते हैं टोटल फिफ्टी टू डिवाइड कर दो फोर से थ्री अपॉन थर्टीन आ जाएगा सर फेस स्टार्ड ट्वेल्व होते हैं हाँ जैक के चार फिर ट्विन और फिर किंग चार 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 कितने हो गए बारह हो गए नॉन फेस फेस्टार्ड कितने होते हैं फोर्टी होते हैं थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड अब तुम्हें पता है कि फेस टार्ड अगर ट्वेल्व है तो सिक्स तो रेड होते हैं और सिक्स ब्लैक होते हैं तो सिक्स अपॉन फिफ्टी टू सो आंसर विल बी थ्री अपॉन ट्वेंटी सिक्स बड़े आसान आसान क्वेश्चन होते हैं प्लेन कार्ड से रिलेटेड फोर्थ पार्ट देखिए द जैक ऑफ हार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट अब तुम्हें समझ में आना चाहिए अब कोई बच्चा सोच रहा है ये हार्ट्स क्यों लिखा हुआ है हार्ट्स के कार्ड कितने होते हैं बोलो थर्टीन होते हैं इसलिए अब उनमें से जैक तो जैट एक हार्ट का होता है डायमंड का होता है एक स्पेड का होता है क्लब का होता है हर कार्ड चार तरह के होते हैं ना जैसे टेन है टेन भी स्पेड का भी होता है क्लब का भी होता है डायमंड का भी होता है हार्ट का भी होता है क्वीन है वो भी ऐसी तो जैक ऑफ हार्ट अब हार्ट का तो एक ही जैक है वैसे तो टोटल चार होते हैं तो वन अपॉन फिफ्टी टू विल बी द प्रोबेबिलिटी फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड अब इस पेड़ के कितने कार्ड होते हैं बताओ थर्टीन तो वो हमारे फेवरेबल केस हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस फिफ्टी टू थर्टीन बाई फिफ्टी टू इट विल बी वन बाई फोर अब सिक्स पार्ट पे चलते हैं सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स अब तुम्हें ये कन्फ्यूज़ करिए कि एट से ज़्यादा होता है इसलिए डायमंड्स बोला जा रहा है ये डायमंड्स इसलिए यूज़ हो रहा है प्लूरल क्योंकि डायमंड के कार्ड कितने होते हैं थर्टीन होते हैं उसके लिए हो रहा है बाकी क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होती है ही होती है जैसे जैक ऑफ हार्ट भी ही था तो क्या आंसर आ जाएगा इसका वन अपॉन फिफ्टी टू आ जाएगा स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंप्लीट कर लिया जो कि मैं कहूँ एक अच्छा क्वेश्चन है उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी एक अच्छा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एक्चुअल में पूरे प्लेन मतलब पूरे डेट ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स के ऊपर बेस नहीं है उसमें थोड़ा सा अलग है कह रहा है कि फाइव कार्ड्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में सारे कार्ड्स नहीं लिए उसने सिर्फ फाइव कार्ड्स लिए ओनली फाइव कार्ड्स और वो फाइव कार्ड कौन कौन से हैं वो भी बता देता हूँ टेन जैक क्वीन किंग एंड एस एस ये एस अब तुम सोच रहे होगे सर ये फाइव कार्ड्स थोड़ी हैं ये तो टेन भी चार होते हैं तो ये तो ट्वेंटी हो रही नहीं एक्चुअल में बोला हुआ है कि ये सारे किसके लिए हैं डायमंड के लिए हैं मीन्स टेन ऑफ डायमंड जैक ऑफ डायमंड क्वीन ऑफ डायमंड्स

अब कह रहे हैं कि ट्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो स्टूडेंट्स ट्वीन आने के लिए तो एक ही फेवरेबल केस है कि क्वीन आ जाए और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं फाइव तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट पे चलते हैं सेकेंड पार्ट थोड़ा लेंथी सा लिखा हुआ है देखते हैं क्या लिखा हुआ है इफ़ द ट्वीन इज ड्रोन एंड पुट असाइड साइड वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड इज पिक अप एंड इज एन एस और ए ट्वीन तो स्टूडेंट सेकेंड से पहली बात तो दो पार्ट है एक तो ए पार्ट और एक बी पार्ट अब पता है क्या था है पार्ट में जैसे ट्वीन आई थी यहाँ पे ट्वीन आई थी और अब इस ट्वीन को निकाला गया और हटा के रख दिया गया अब सिर्फ इन चार कार्ड की बात कर रहे हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं अब कह रहे है कि ये बताओ देखो ट्वीन आ गई ट्वीन को यहाँ से हटा दिया मतलब इन पांच कार्ड ये जो फाइव टार्ड थे इनसे अलग कर दिया गया अब सिर्फ इन चार कार्ड को सफल किया गया है और अब बताओ प्रोबेबिलिटी पहला पार्ट कि वो एस आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस बताओ क्या हो जाएगी दैट विल बी वन बाय फोर क्योंकि अब फेवरेबल टेस्ट तो सिर्फ एस ही होगा और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं फाइव नहीं है फोर है एट कार्ड हटा दिया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कम हो जाएगा और सेकंड में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर वन बाय फोर ही होगी वो बढ़ दे क्योंकि प्रोबेबिलिटी जीरो होगी यार जब इनमें से क्वीन हटा दिए चार कार्ड हैं तुम्हारे पास टेन जेड किंग एस इनमें से एक कार्ड निकाला गया उसमें से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी अरे पागल हो गया बुक वाला समझ रहे हैं ना पाडल नहीं एक्चुअल में बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है ये कौन सा इवेंट होता है इम्पोसिबल इवेंट होता है जो नहीं हो सकता इवेंट विच कैन नॉट हैपन सो so, ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जीरो होती है अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में कह रहा है कि ट्वेल्व डिफेक्टिव पेंस नंबर में बोल रहे हैं कि बारह डिफेक्टिव पेन है ट्वेल्व डिफेक्टिव पैंस और न, 132, गुड़ वन थर्टी टू गुड वन गुड वन ये आपस में मिट्स हो गए तो ये तो पता होना चाहिए वन फोर्टी फोर कितने हैं टोटल पैंस हैं वन फोर्टी फोर चलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव अब ऐसा नहीं है कि किसी पेन को हम देख के बता दें कि ये डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है वन आउट फ्रॉम दिस द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेटन आउट इज गुड वन सो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है डेट इन गुड पेन या गुड वन सो स्टूडेंट्स अब जा रहा है कि ये टोटल 144 फोर्टी फोर पेन से इनमें से पेन निकाला गया तो गुड वन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हाँ गुड वन की पूछ रहे हैं तो दैट विल बी वन थर्टी टू हमारे फेवरेबल केस हो रहे और टोटल नंबर ऑफ केस वन फोर फोर सो इट विल बी इलेवन बाई ट से कैंसिल कर दिया इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कर सकते थे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भी इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कह रहा है ए लोट ऑफ ट्वेंटी वल्ब्स कंटेन इन फोर डिफेक्टिव बल्ब कह रहे एक मान लो एक बॉक्स था जिसमें कितने थे ट्वेंटी बल्बस हैं हमारे पास जिसमें से कुछ उसने बताया कि चार जो हैं वो डिफेक्टिव हैं तो अब स्टूडेंट्स एक बात आओ टोटल हमारे पास ट्वेंटी बल्ब हैं चार डिफेक्टिव हैं तो सिक्सटीन कैसे हैं सिक्सटीन हमारे पास गुड वन है चलिए यह तो पता लगा ही लिया अब कह वन वल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट वॉट इज द प्रोबलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव तो आप कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ बल्ब है वो डिफेक्टिव होगा इसकी तो डिफेक्टिव थे कितने डिफेक्टिव के लिए हमारा फेवरेबल केस हो गया फोर टोटल ट्वेंटी सो तो आंसर विल बी वन बाय फाइव ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का फर्स्ट पार्ट था इसमें एक पार्ट और गिवन है दैट इज पार्ट नंबर टू उसको और डिस्कस करते हैं कह रहे हैं कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस अच्छा एक बल्ब निकाला जो कि नॉन डिफेक्टिव था अब नॉन डिफेक्टिव होने का मतलब इतना सा है कि वो गुड़ वन निकला होगा तो गुड़ वन निकल गया और रहा इसको रिप्लेस नहीं किया गया मतलब एक गुड़ वन निकाला और उसको भारी रख लिया तो भारी रख लिया तो कुछ ऐसी बन जाएगी पिक्चर कि हमारे पास टोटल बल्ब हैं वो तो हो जाएंगे नाइन्टीन जो गुड़ वन सोलह थे वो अब हो जाएंगे फिफ्टीन और डिफेक्टिव अभी भी क्या रहेंगे ही रहेंगे अब आगे की बात सुनते हैं आगे में क्या कह रहे हैं नाउ वन वल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट वॉट इज द प्रोबिलिटी दैट वल्ब इज नॉट डिफेक्टिव अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव पूछे या प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पूछे एक ही बात होती है भाई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए या गुड वन होना चाहिए एक ही बात है ना तो बताओ प्रोबेबिलिटी विल बी फिफ्टीन बाई नाइनटीन ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को डील कर पाएंगे So, students, today we have completed up to question number 17 of our exercise 15.1. Tomorrow we will try to complete this chapter. Thank you, students.